क्लास 10 के मैथ में प्रश्नावली 7.1 में क्वेश्चन नंबर आज हम लोग को एक बनाना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न दिया हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, एक क्वेश्चन यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए त्रिभुज यहाँ पर हम लोग बना के देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा कोश x1 × y2 − y3 + x2 × y3 − y1 + x3 × y1 − y2 कोष्ठ बंद बड़ा भी कोष्ठ बंद। अब हम लोग को देखना है ये जो त्रिभुज ए बी सी का हम लोग का निकलना है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 1/2। अब यहाँ पे आपको कैसे पकड़ना है कि कौन x1 है। देखिए हर एक पोस्ट में x1 का मान हो जाएगा ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान, ये x3 का मान, ये y3 का मान, ठीक है ना। ये सब किस किस का मान होता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी कहने का मतलब ये हम लोग का है। अब चलिए x1 का मान कितना है, x1 का मान है 2, यहाँ पर y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है 0 माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान है कितना 4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस कर दीजिए। x2 का मान कितना है -2, y3 का मान कितना है -4, y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है -3, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -3 हो जाएगा प्लस। x3 का मान कितना है 2 है, y1 का मान कितना है, y1 का मान है हम लोग का 3 माइनस, y2 का मान कितना है 0 हो जाएगा, ये हम लोग बन गए। चलिए अच्छा तरीके से सब लोग बना लें 1/2, इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस, यहाँ पे 2 हो जाएगा गुणे, इसको जोड़ देंगे -7 प्लस 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 3, 3 में से हम लोग 0 घटाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 3, 1/2 4 × 8 प्लस, इसमें गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 × 14 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 6। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, x1 का, x2 का मान, x2 का मान यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा -1, इसमें इससे गुणा करेंगे हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा +7। अब यहाँ पर हम लोग कर देंगे, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको 1/2 यहाँ पे 7, 8, 15, 6, 21 21/2 ये हो जाएगा वर्ग मात्रक, 21/2 वर्ग मात्रक हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, बी हो गया, इसी हो। अब हम लोग को दो नंबर क्वेश्चन बनाना है। ए का मान यहाँ पर लिख लीजिए -5 कितना है 1, बी का मान कितना है 3 और कितना है -5 है, और सी का मान कितना है 5 और 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का मान, ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, और कितना का मान हो गया, सी का मान हो गया।
ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये कितना का मान हो गया, सी का मान हो गया। इसमें ये एक्स वन होता है, ये वाई वन होता है, एक्स टू होता है, वाई टू होता है, एक्स थ्री होता है, वाई थ्री होता है। अब यहाँ पे हम लोग को क्लियर करना है, यहाँ पे क्लियर करना है, हो जाएगा एक बटा दो। एक्स वन का मान कितना है, माइनस पाँच। चलिए वाई टू का मान कितना है, यहाँ पे देख लीजिए माइनस पाँच। वाई थ्री का मान कितना है देख लीजिए यहाँ पे दो। एक्स टू का मान कितना हो जाएगा तीन। वाई थ्री का मान कितना है दो माइनस। वाई वन का मान कितना है माइनस माइनस प्लस एक। एक्स थ्री का मान कितना है, एक्स थ्री का मान हो जाएगा पाँच। वाई वन का मान कितना है, वाई वन का मान कितना है, वाई वन का मान हो जाएगा हम लोग का माइनस एक। और वाई टू का मान कितना हो जाएगा हम लोग का माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा पाँच माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे एक बटा दो, एक बटा दो, एक बटा दो, यहाँ पर हो जाएगा माइनस पाँच, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा सात, माइनस पाँच माइनस दो माइनस सात प्लस तीन, दो और दो और एक कितना हो जाएगा तीन प्लस पाँच, और यहाँ पे एक और प्लस पाँच, ये माइनस ये प्लस, पूरा कितना हो जाएगा हम लोग का चार। एक बटा दो माइनस माइनस प्लस पाँच सत पैंतीस, तीतरी के नौ प्लस हो जाएगा चार पचे बीस। एक बटा दो आप इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा हम लोग का नौ पैंतीस हो जाएगा हम लोग का चौवालीस चौंसठ। अब यहाँ पर हो जाएगा एक बटा दो चौंसठ, इससे इसको कटा दीजिए बत्तीस हो जाएगा, बत्तीस वर्ग मात्रक, बत्तीस वर्ग मात्रक, बत्तीस वर्ग मात्रक हो जाएगा, इसका आंसर बत्तीस वर्ग मात्रक हो जाएगा। कितना हो जाएगा बत्तीस वर्ग मात्रक। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन को हम आप लोग को बताते हैं।